हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ एंटास्टिक गेमिंग। मैं वापस आ गया स्कारफॉल टॉक के पार्ट 2 के साथ। इस वीडियो में हम 15 जुलाई को जो अपडेट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से अपडेट ऐड हो सकते हैं, और आगे मैं ऑफलाइन मोड से भी रिलेटेड बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आई होप आपको स्कारफॉल टॉक पार्ट 2 अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी गो। हमारा पहला टॉपिक है ग्राफिक्स। जब ये अपडेट आया था अंडमान निकोबार आइलैंड का 30 जून को, तो ग्राफिक्स बढ़िया थे, लेकिन गेम जो है वो लैग कर रहा था और लो एंड डिवाइसेस में तो चल ही नहीं रहा था, और कुछ में चल रहा था तो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। लेकिन जब ये 8 जुलाई को जो अपडेट आया उसमें इन्होंने ग्राफिक्स तो बढ़िया कर दिया, और लेकिन थोड़े लो भी करे ताकि जो लो एंड डिवाइसेस हैं उसमें आराम से गेम चल सके बिना किसी लैग के। सो मुझे ऐसा लगता है जो 15 तारीख को अपडेट आने वाला है उसमें भी ये ग्राफिक्स को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे ताकि जो लो एंड डिवाइसेस हैं उसमें और भी बढ़िया तरीके से गेम चल सके। हमारा सेकंड टॉपिक है प्राइवेट सर्विस से रिलेटेड। सो 30 जून से पहले तक, मतलब जब ये अपडेट आया था हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का, उससे पहले तक हमें फेसबुक से लॉगिन करना पड़ता था, तो जिसकी वजह से हम अपने फ्रेंड्स को प्राइवेट सर्वर का यूज़ करके या प्राइवेट सर्वर क्रिएट करके अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते थे और ऐड करके उनके साथ खेल सकते थे गेम को। लेकिन 30 तारीख को जो अपडेट आया उसमें इन्होंने एक्सक्वाड ने गैश मोड भी ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ है कि अब हम बिना फेसबुक से लॉगिन किए भी गेम को खेल सकते हैं गेस्ट मोड में। लेकिन क्योंकि फेसबुक से अब लॉगिन नहीं कर सकते, तो अभी फ़िलहाल के लिए प्राइवेट सर्वर भी ऐड नहीं है, तो हो सकता है जो 15 तारीख को अपडेट आए उसमें या तो प्राइवेट सर्वर ऐड हो जाए, और या फिर फ्रेंड्स रूम वाला जो ऑप्शन होता है जो कि हमें फ्री फायर में, कॉल ऑफ ड्यूटी में और BGMI में देखने को मिलता है, वो वाला फीचर ऐड हो सकता है। क्योंकि अब गेस्ट मोड भी है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फेसबुक से लॉगिन नहीं करेंगे और गेस्ट मोड एज अ गेस्ट मोड से खेलेंगे। सो उनको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कैसे करेंगे, सो उसके लिए उन्हें फ्रेंड्स लॉबी ऐड करनी पड़ेगी ताकि सभी अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सके, तब चाहे वो फेसबुक में हो या एज अ गेस्ट मोड खेले। हमारा थर्ड टॉपिक है एनिमेशंस। एनिमेशंस के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एनिमेशंस में। सो जैसे कि एक्सक्वाड ने बताया है कि एनिमेशंस कैरेक्टर्स वाला सारा जो अपडेट है वो अगले साल ही आएगा। सो 15 तारीख को अपडेट में आने का कोई चांसेस नहीं है। जो भी अपडेट आएगा एनिमेशंस और कैरेक्टर से रिलेटेड स्पेशली, वो आएंगे अगले साल, दैट इज जनवरी 2022 में। फोर्थ टॉपिक है हमारा बग्स एंड लैग फिक्सेस। सो जैसे कि मैंने पहले बताया और अभी कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें भी बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा, वीडियो को देखिए, लाइक करिए इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। सो उस वीडियो में भी मैंने बताया है और अभी भी मैं बता देता हूँ कि जो 30 तारीख को अपडेट आया था उसमें थोड़ा बहुत लैग फिक्स हुआ था, लेकिन ग्राफिक्स थोड़े इंक्रीज करे थे उन्होंने तो उस वजह से लैग फिर भी हो रहा था गेम। लेकिन जो 8 तारीख को अपडेट किया इन्होंने, अभी 8 जुलाई को जो अपडेट दिया उसमें इन्होंने लैग्स को फिक्स किया है और गेम को स्मूथ किया है। एंड अब जो 15 तारीख को आएगा मुझे लगता है कि उसमें भी ये लैग जो भी जिसका भी हो रहा होगा या उसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और ऑप्टिमाइज़ कर देंगे ताकि स्पेशली लो एंड डिवाइसेस के लिए, ताकि वो भी आराम से खेल सकें बिना किसी लैग के या फिर किसी बग के। बग तो चलते रहेंगे इस गेम में, क्योंकि हर गेम में जैसे जैसे अपडेट होता है तो बग्स आते रहते हैं। सो बग्स ये फिक्स करते रहेंगे,
छोटे मोटे अपडेट देते रहेंगे हर हर महीने। हमारा फिफ्थ टॉपिक है ऑफलाइन मोड का। सो जैसे हम सबको पता है कि 30 जून को जो अपडेट आया था अंडमान निकोबार आइलैंड वाला, उसमें इन्होंने ऑफलाइन मोड को कम्प्लीटली हटा दिया था। इससे बहुत लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगा। जिनको अच्छा लगा वो इस वजह से अच्छा लगा कि उन्होंने इसको कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड कर दिया है, ऑनलाइन गेम कर दिया है, जैसे बाकी के बैटल रॉयल गेम्स हैं। लेकिन कुछ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्होंने ये गेम सिर्फ और सिर्फ इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड होने की वजह से किया था, क्योंकि वो जनरली ऑफलाइन ही खेलते थे, उनकी जो भी जिस वजह से भी खेलते थे वो। सो अब जब ये हटा दिया है तो बहुत लोग इससे खुश नाखुश भी हैं और कुछ लोग खुश भी हैं। सो यही चीज़ है कि ऑफलाइन मोड आगे फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, और 15 तारीख को जो अपडेट आएगा उसमें आएगा कि नहीं आएगा। आप लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो देख रहे होंगे जो कि स्कार्फ ऑफ द रॉयल कॉम्बैट की है। सो व्हाट्स न्यू दिखा रखा है, जो अपडेट हमारा आया था 8 जुलाई को जो अपडेट आया था और जो हमारा 30 जून को आया था उसका पूरा डिटेल देख के, उसी के नीचे अबाउट द गेम करके है, उसमें आप देखेंगे नीचे तो ये है, स्कार्फ ऑफ रॉयल कॉम्बैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शूटिंग गेम विद सर्वाइवल चैलेंजेस। सो इन्होंने अभी तक ऑफलाइन मोड इसमें से हटाया नहीं है, अभी दोनों चीज़ रखी है ऑफलाइन और ऑनलाइन। सो इससे ये साबित हो सकता है कि शायद फ्यूचर में ये ऑफलाइन मोड को दोबारा लेके आ जाएं वापस, क्योंकि इन्होंने अभी तक इसमें से हटाया नहीं है ऑफलाइन मोड को। सिक्स टॉपिक है हमारा मोड्स का। सो हम सबको पता है कि जब ये अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप आया था तो उसमें इन्होंने सिर्फ क्लासिक मोड दिया था, सर्वाइवल और हमारा TDM मोड हटा दिया था। सो अब जब 15 तारीख को जो अपडेट आने वाला है उसमें ये दोनों मोड आने वाले हैं, TDM का भी और सर्वाइवल का भी, और इम्प्रूव्ड होके आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, ग्राफिक्स में भी इम्प्रूव्ड होके आएंगे और जो हमारा बग्स या लैग्स वगैरह हो रहा था इन दोनों मोड में भी वो भी फिक्स्ड करके देंगे, स्पेशली लो एंड डिवाइसेस के लिए, ताकि लो एंड डिवाइसेस में भी अच्छे से चल सके ये दोनों मोड भी, जैसे हमारा क्लासिक मोड चल रहा है। और एक और बात है कि सर्वाइवल मोड में इन्होंने जो प्लेयर्स थे अभी तक हमारे 50 प्लेयर्स आते थे, वो अब इन्होंने 50 इंक्रीज कर दिया है 100 प्लेयर्स। सो अब हमें 100 प्लेयर्स मिलेंगे सर्वाइवल मोड में, ये बढ़िया कर दिया इन्होंने, क्योंकि पहले हमें बंदों को ढूंढना पड़ता था और उसके लिए इधर उधर जाना पड़ता था क्योंकि मैप बड़ा था मेहम का, लेकिन अब 100 प्लेयर्स कर दिए हैं तो हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब मज़ा आने वाला है गेम में। सो बस 15 तारीख का वेट करते हैं। सो चलते हैं हम हमारे फाइनल और लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है स्मॉल अपडेट से रिलेटेड। वैसे तो ये टॉपिक 15 तारीख को जो अपडेट आने वाला है उससे कोई रिलेट नहीं है करता, लेकिन फिर भी मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। सो जैसे कि एक्स स्क्वाड ने ये बोला था कि जो अब जो मेजर अपडेट आने वाला है वो अगले साल आएगा जनवरी 2022 में, लेकिन उससे पहले ये छोटे छोटे अपडेट्स देते रहेंगे गेम को ऑप्टिमाइज करने के लिए और बग्स को फिक्स करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।